नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिर वही चीज जो हम हर हफ्ते करते आते हैं, COVID-19 के इस वक्त क्या स्थिति है दुनिया में और खास तौर से भारतवर्ष में। हमारे साथ है प्रोफेसर सत्यजीत रथ। सत्यजीत, इस हफ्ता हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, अब जो है वैक्सीनेशन कुछ देशों में काफी आगे बढ़ चुकी है, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्मलसी में वापस जाना चाहते हैं, और मुख्य रूप में इस वक्त यूनाइटेड किंगडम, उन पर जरा फोकस है क्योंकि वहां पर उन्होंने नॉर्मलसी डिक्लेयर कर दिया और करीब 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 हर चीज खोल दिया है। उसके साथ साथ अगर आंकड़े देखें तो वहां पर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा COVID-19 की केसेस हमें देखने को मिल रही है, 40,000 से करीब ऊपर पर दिन की केस है। हम इस वक्त 30वें स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है, हम बहुत नीचे नहीं है, पर यूके के काफी अभी भी नीचे है। तो इसको देखते हुए, और उनकी वैक्सीनेशन फिगर्स काफी अच्छी है, 50% से ज्यादा है फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और करीब 66% शायद आपकी एक डोज कम से कम मिल चुकी है, मतलब ज्यादातर लोगों की वहां पर इस वक्त मेजॉरिटी के ऊपर है वैक्सीनेशन की संख्या। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो अभी यूके की सरकार कर रही है, क्या जायज है या इसके लिए काफी खतरा है? और दूसरा सवाल इसके बाद मैं आना चाहता हूं कि कब खोलना चाहिए वैक्सीनेशन की किस मात्रा पे, वो दूसरा सवाल मैं आना चाहता हूं इसके बाद। जी, पहले सवाल के बारे में, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, थोड़ी वैज्ञानिक समझ की चौखट में सोचा करें तो उसमें सवाल जो खड़े होते हैं एक वैज्ञानिक नजरिए से देखो तो उसमें से एक ये है कि क्या ये जो बीमार लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बर्तानिया में बहुत जोर शोर से बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं, हालांकि थोड़ी कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं दोनों जगह। जैसा कि आपने कहा प्रबीर, 50% के आसपास लोग पूरे के पूरे टीकाकृत हैं, फिर भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला सवाल ये है, ये जो बीमार लोग हैं क्या ये टीकाकृत बीमार लोग हैं या बगैर टीकाकृत हैं? ये हुआ पहला सवाल। अगर ये सारे आंकड़े और उनकी बढ़त जो है वो टीकाकृत लोगों में है, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि आजकल की जो नई विषाणु की नस्लें हैं उस पर टीके अच्छे काम नहीं करते। तो इसमें टीकों के असरदारी की बात सामने आती है, और वो असरदारी की बात को लेकर भी दो उप प्रश्न पूछने पड़ते हैं। मापदंड दो है कि बीमार कितने पड़ रहे हैं और कितना सीरियस बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर पहला सवाल देखें कि गंभीर रूप से बीमार लोग जो हैं अभी बर्तानिया में, अमेरिका में, उनमें से टीकाकृत लोग कितने हैं, तो ये देखा जाता है कि 98% से ज्यादा लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं वो उन्हें टीके नहीं मिले। तो इसमें पहली बात यह है जो थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करती है कि टीके गंभीर रूप की बीमारी और मौत को रोकने में काफी काबिल और कारगर हैं अभी भी, आज की नस्लों के खिलाफ भी, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट वाली नस्ल है। दूसरा सवाल यह है कि जो अस्पताल अलबत्ता नहीं पहुंचते लेकिन बीमार पड़ते हैं, उनमें क्या हालात है टीकाकृत और बगैर टीकाकरण के लोगों का प्रमाण कितना है, कि मात्रा कितनी है? उसमें भी ये देखा जाता है कि 80-90% से ज्यादा लोग उसमें भी बगैर टीका मिले हुए हैं दोनों जगहों में। आंकड़े हालांकि थोड़े कच्चे हैं लेकिन फिर भी जहां तक आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो पिछले साल से कहते आए हैं कि एक राजनैतिक नजरिए से देश के आंकड़े नहीं देखने चाहिए,
गांव गरौंदों में, मोहल्लों में, और खास करके लोगों के अलग अलग गुटों में, जो सर्वहारा लोगों के गुट हैं, जो अल्पसंख्यक लोगों के गुट हैं, उनमें टीकाकरण की मात्रा कितनी है, और जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग हैं उनमें कितनी है, ये सवाल बार बार पूछने चाहिए। जो बेइंसाफी टीकाकरण के अभियानों में दुनिया भर में हो रही है, भारत में भी हो रही है, बर्तानिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, उसका ये नतीजा है कि आंकड़े टीकाकरण के भी बढ़ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण कुछ गुटों में हो रहा है, और बीमार लोगों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और बीमारी उन गुटों में बढ़ रही है जहां टीकाकरण नहीं हो रहा। तो एक इनइक्वालिटी की एक ये मार्कर है, एक पहचान है कि टीकाकृत होने के बावजूद भी कुछ गुट जो है जिनमें टीकाकरण नहीं हुआ है, खासतौर से इमिग्रेंट कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज है, अमेरिका में खासतौर से जो नस्लवादी रवैया है उसके लिए, जो उसको ब्लैक कम्युनिटी कह सकते उनमें नहीं है, तो इस तरह के जो विषमता है वो टीकाकरण में भी दिख रहा है, और उसके वजह से ये इन नंबर्स को भी, नंबर्स में भी ये प्रतिबिंबित होता है। बिल्कुल जी। आपका दूसरा सवाल था कि जो वैक्सीनेशन की तब स्तर किस मात्रा तक एक मुल्क में पहुंचनी चाहिए जिसके बाद हम कह सकते हैं अब खोलने में कोई इतराज नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बीमारी फैलेगा थोड़ी बहुत, ठीक है, पर सीरियस बीमारी नहीं होगा। अब इसमें परेशानी ये है दो तरीकों की। पहली बात तो जैसे कि हम पिछले कई महीनों साल भर से कहते आए हैं, ये जो हर्ड इम्यूनिटी का मसला है, यानी कि सामूहिक प्रतिरक्षा का मसला है, कि फला फीसदी लोगों में खास प्रतिरक्षा क्षमता प्राप्त हो जाएगी तो महामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका फैलाव, उसका विस्तार खत्म हो जाएगा। ये आंकड़ा नई बीमारी के लिए हम पहले जानकर उसके लिए नीतियां नहीं बना सकते, ये हुई पहली बात। तो इसके लिए हमें धीरज बंधवा के राह देखनी पड़ेगी कि जब महामारी खत्म हो जाएगी तब अपन कहेंगे कि अरे 82% को महामारी रुक गई, इसका मतलब ये हुआ कि 82% को हम सामूहिक प्रतिरक्षा तक पहुंच गए। लेकिन दूसरा मुद्दा इसमें बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और वो ये है कि जैसा अपन अभी कह रहे थे प्रवीर, कि हम मान के चलते हैं, जब ऐसे आंकड़ों के बारे में सोचते हैं तब ये मान के चलते हैं कि जब 50% टीकाकरण हुआ, 60% टीकाकरण हुआ, तब घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में समान मात्रा में टीकाकरण है, ये मान के चलो, तभी इन आंकड़ों से बीमारी के फैलाव पर होने वाले असरातों को लेकर कुछ आंकड़ों के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी जो अपन कह रहे थे ऐसा तो है नहीं, जाहिर है कि ऐसा है नहीं। तो फिर जो विषमता है, जो नाइंसाफी है टीकाकरण के अभियानों में, उसका प्रतिबिंब ये जो आगे देख के भविष्यवाणी करने वाले आंकड़े हैं उनमें भी प्रतिबिंबित होना चाहिए ना। वो अभी तक किसी वैज्ञानिकों ने किया हुआ मैंने देखा नहीं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विषमता के आंकड़े आज तक भी हमारे सामने किसी ठोस तरीके से आए नहीं है दुनिया में कहीं से भी। सही है यार, वो वही जो हम पहले अब बात कर रहे थे कि 80% का मतलब नहीं कि हर कम्युनिटी में हर जगह 80% हो गया, कुछ जगह पे 90, कुछ जगह पे 50 भी हो सकता है। तो आपके ग्रुप्स रह जाएंगे जो अभी भी इसकी शिकार हो सकते हैं, इसीलिए हमको इन परसेंटेज से हमें इसको जांचना नहीं चाहिए कि हम महामारी में कहाँ किस जगह पे है, पर हमको हर दिन आंकड़े देखने चाहिए,
हर डिस्ट्रिक्ट हर मोहल्ले की आंकड़े देखनी चाहिए, कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, इसी के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे और एक वक्त पे शायद हमें आशा की किरण मिलेगी कि महामारी शायद दुनिया से काफी खत्म हो गया, वो जैसे फ्लू जैसा एक एंडेमिक रूप लेगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ होता रहेगा और हमको टीके हर साल लेने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात पे आते हैं, हमारे यहाँ अभी भी पूरी टीकाकृत लोगों की संख्या जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ 6.5% है जी, बिल्कुल उसके लगभग उससे ज्यादा नहीं है। तो हम यूके के फिगर्स जहाँ पर इस वक्त फिर भी एक थर्ड नहीं वहां उनके फोर्थ वेव कह सकते हो रहा है, तो वहां पर हम भी 6.5% लेके हमारी इस टीकाकरण से वेव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो साफ, क्या हम ये कह सकते हैं? मैं तो इसके आगे दो बातें कहना चाहूंगा। जिस दिशा में आपने बात कही है उसी को आगे लेना चाहूंगा दो तरीकों से। एक मुद्दा ये है कि टीकाकरण अभियान में जो विषमता आई है उस विषमता की मात्रा भारत में यूरोप या अमेरिका से बढ़कर है, ये हुई पहली बात। और चूंकि इस विषमता का ये जो विषमता है ये एक कारण है उद्रेक और विस्फोट होते रहने का बीमारी के, तो जाहिर है कि हमने आगे चल के और कई विस्फोट देखने हैं, ऐसी संभावना बहुत बड़ी है, ये हुई पहली बार। कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो प्रिडिक्शन कर रहे थे भविष्यवाणी कर रहे थे उनका भविष्यवाणी का हालत हमने देख लिया है, और हमने बहुत पहले से कहते आए हैं कि इनका भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है, हमें देखनी पड़ेगी एक्चुअली एम्पिरिकल डेटा से कि इस हफ्ता का क्या हालत है, उससे हम उस इलाके का उस जगह का कम से कम और 10-15 दिन का शायद हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके आगे कोई प्रिडिक्शन करने की क्षमता किसी के पास है नहीं, जो हम आप कहते आए हैं, क्योंकि इन लोगों की कनेक्शन से एक दूसरे के संबंध से ये बीमारी फैलता है और उसको इस तरह की स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम कर नहीं सकते और वो साबित हो चुका है। आखिरी सवाल खत्म करने के लिए आपके पास है कि ये तो हुआ एक मुद्दा, हाँ दूसरा पहलू उसमें ये है कि अभी अपन कह रहे हैं कि देश की दूसरी लहर तकरीबन खत्म हो गई। मैं अगर असम में मिजोरम में नागालैंड में रहने वाला भारतीय हूं तो मैं आपको भौचक्का होकर देखूंगा कि भैया आप कह रहे हैं खत्म हो गई, हमारे यहां तो दिन ब दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आप किस राष्ट्रीय लहर की बात कर रहे हैं जो खत्म हो गई? तो ये भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से आंकड़े बढ़े और कम हुए हैं, वो बतौर एक लहर आई एक लहर गई ऐसा हुआ नहीं। ये हुआ दूसरा पहलू जो बात आपने कही। लेकिन भारत में क्या होगा? तो पहली बात जैसी कि आपने कही मैंने कही कि आगे चल के विस्फोट देखने को मिलने ही हैं, और ऐसी जगहों में ज्यादा दिखेंगे जहां टीकाकरण की मात्रा कम होगी। ये ज्यादा ज्यादा हमें देखने को मिलेगी बात। अभी तक ये मसला उतना स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ जगहों में टीकाकरण का प्रमाण काफी अच्छा हो जाएगा, वैसे वैसे ये देखने को मिल जाएगा कि महानगरों में, खास करके महानगरों में जहां मजदूर बस्तियां हैं, वहां पे जहां बीमारी का फैलाव काफी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी वैसी कुछ जगहों में हुआ है, तो हो सकता है कि महानगरों में कुछ मोहल्लों में बीमारी के फैलाव की वजह से एक प्रतिरक्षा क्षमता आई हुई है। दूसरी बात है कि महानगरों में
जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं उन मोहल्लों में टीकाकरण की मात्रा काफी बड़ी है, तो हो सकता है कि आगे चल के ऐसे मोहल्लों में ऐसी जगहों में बीमारी के विस्फोट थोड़े कम होंगे, थोड़े सौम्य रूप से होंगे, और ऐसी जगहों में जहां भीड़ भी है लेकिन जहां टीकाकरण हुआ नहीं है ऐसी जगहों में विस्फोट ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। और तो विस्फोटों का जो लैंडस्केप है, जो जो प्रदेश है, जो नजरिया है देश भर का, देश की के भूगोल का जो नजरिया है विस्फोटों को लेकर, वो अब बदलने को देखने मिलेगा। अगर हमारा न्यूज क्लिक का कोविड चार्ट्स की पेज पे आप जाएं, दर्शकों के लिए यह है कि आप देख सकते हैं कि हर प्रांत में कब कहां कितने तेजी से आंकड़े बदले हैं और कहां इस वक्त बढ़ रहे हैं। और उसमें देखेंगे, सत्यजीत ने जो कहा कि ईस्टर्न इंडिया में एक बेल्ट है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में, वो सेकेंड वेव अगर करे तो वो अभी सेकेंड वेव में है। पर अगर महाराष्ट्र की ओर अब निगाह ले जाएं, ये केरल की ओर निगाह ले जाएं, तो वहां तीसरी वेव का शुरुआत भी आप कह सकते हैं शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पर आंकड़े फिर धीरे से धीरे से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और क्या वो सेकेंड वेव का आखिरी हिस्सा है, पर दोबारा क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, या थर्ड वेव का हिस्सा है, वो बताना इस वक्त मुश्किल है। तो इसीलिए हमें इन पे निगाह रखनी पड़ेगी। और 6.5% आंकड़े इस वक्त जो हमारे वैक्सीनेशन के है, इसका प्रभाव खास इस वक्त नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ इसका परिपूरक है कि बहुत लोगों को कोविड हो चुका है सेकेंड वेव में, तो उसके साथ साथ जिनका वैक्सीनेशन हुआ है शायद उनकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन इस वक्त है। खत्म करने के पहले सत्यजीत, आपका आखिरी राय? आखिरी मुद्दा ये है कि बार बार यही बात सामने आती है और सबक लाती है कि हमने इस मसले को, हमने इस महामारी को लंबे अरसे की नजरिए से देखना चाहिए। हमें आज भी ये सबक है कि हमने आगे 10-15 दिन के लिए प्रावधान नहीं करने चाहिए, हमने आगे 6 महीने साल भर के लिए करने चाहिए, और उसमें रोजगार का प्रावधान हो, उसमें अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का प्रावधान हो, उसमें टीकाकरण का प्रावधान हो, और उसमें जो सर्वेलेंस है महामारी की उसका प्रावधान हो। इन इन सारी बातों पर ना कि 1-2 हफ्तों के लिए, बल्कि आते 6-8-10 महीने साल भर के लिए हमने नीतियां बनानी चाहिए। और इस पे इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई कैसे हो उसके ऊपर भी हमें निगाह रखने की जरूरत है। इसी बात पे आज खत्म करते हैं। सत्यजीत, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों को ये कहना है कि हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, हमारे वेबसाइट पे भी आइए।